चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनवाने के लिए लाभार्थी के खाते में आएंगे 3 लाख रुपए, आज मोदी सरकार ने किया सबसे बड़ा ऐलान। अगर आपके भी पास है ई श्रम कार्ड तो आपके खाते में हर महीने आएंगे 1,000 रुपए, आज वित्त मंत्री का सबसे बड़ा ऐलान। बंगाल बीजेपी चीफ ने किया बड़ा दावा, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज ने फिर किया नया जिला बनाने की घोषणा। जल्द बदलवा ले 2000 के नोट, अगले महीने 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग पर अड़े महाराष्ट्र के किसान। तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना का हुआ विस्तार, CM ने छात्रों को परोसा खाना। लद्दाख रैली में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी RSS देश में नफरत फैला रहे हैं। 8 दिन में 2 बार राजस्थान दौरे पर आएंगे अमित शाह, करेंगे रोड शो और रैलियां। CM भूपेश बघेल का इंडिया गठबंधन से मांग, कहा राहुल गांधी बने PM पद का नया चेहरा। बंगाल में ऑरेंज अलर्ट, 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में आदिवासियों की आरक्षण की मांग को लेकर बांसवाड़ा में तनाव, पूरे जिले में धारा 144 लागू। कारगिल में बोले राहुल गांधी, कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ 2024 में बीजेपी को हरा देंगे। राजस्थान के 14 जिलों की छात्राओं को निःशुल्क सिखाई जाएगी कोडिंग, उदयपुर में कार्यक्रम शुरू। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, शुरुआती कारोबार में 12 पैसे फिसला। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। मोदी का ऐलान, जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शक्ति पॉइंट, जहां चंद्रयान 2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट है। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार, 15 लाख टैबलेट बांटने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा चंद्रमा पर इंसान को भेजने पर हो रहा काम। छत्तीसगढ़ से गुजरात वाली 22 ट्रेनें 7 दिनों के लिए रद्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली महंगाई को काबू करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी 4 परिवर्तन यात्राएं। सरकार का बड़ा फैसला, अगर AI की मदद से किया गलत काम तो हो सकती है जेल।